Finally, you got it, huh? Finally, this Instagram. I am not a pro here, okay? Next time, you should let your wife, you know, start that button. अरे भगवान, ये बुमराह के साथ भी ऐसे ही हुआ था यार. How are you, brother man? I'm very good. How are you, Paji? Well, I can't complain, but it's tough to be home. Locked down. I'm in Gurgaon. Everybody's struggling a little bit staying at home, but I think all of us, we are trying as much as possible to raise awareness about how important it is right now for us to stay home so that we can enjoy later. Absolutely. So I think hum sab kar rahe hai, wo achha tha yaar. But abhi dekho, aage kya hota hai. Wo, Paji, kar kya rahe ho waise aap lockdown mein? Movies? Lockdown mein, luckily, Gurgaon ghar pe gym hai. मूवी थिएटर है तो जिम और मूवी थिएटर बेसिकली रोज और स्पेंडिंग टाइम विद माय मॉम एंड माय वाइफ. यू आर जस्ट स्टक विद योर वाइफ, आई एम स्टक विद माय मॉम एंड माय वाइफ. आपको पता ही है अभी वी कांट हैव हाउसेस लाइक योर्स लाइक यू हैव इन गुड़गांव. एक एक दो दो बेडरूम का अपार्टमेंट होता है बॉम्बे में. हाँ बट यू आर अ रिच फेलो मैन, यू हैव सो मेनी अपार्टमेंट्स इन मुंबई. So you can stay in any of the apartment. How do you like my cheeks? Well, since we are on Instagram live, I can't, shouldn't be really commenting on it. No, it's okay. Paji, आपने पोस्ट में जो भी पोस्ट डालता उसमें तो आप लिखते ही हो, तो आपको क्या लगता है कि लोग पढ़ते नहीं है वो सब चीज़? यार, you are a busy man, okay? You are busy scoring hundreds, busy shooting commercials. So I need your attention. So that's the only way I get your attention. अच्छा जी. वो देखा तूने ब्रायन लारा का वीडियो देखा तूने? नहीं भाई, कौन सा? ब्रायन लारा ने एक वीडियो डाला है तो उसने बोला कि जब फर्स्ट टाइम वो इंडियन वो वेस्ट इंडीज टीम में आया तो वो पहले चला गया ड्रेसिंग रूम में और कहता उसने एक सीट पे जाके अपना किडबैग रख दिया. अच्छा. तो कहता वो बाहर आया, जैसे ही बाकी प्लेयर्स बाहर आए ना तो उसका बैग उड़ता हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर आया किडबैग. तो वो विव रिचर्ड की सीट थी. तो मैं गौरव कपूर को बोल रहा था मैं गौरव कपूर को बोल रहा था कि मैंने सिर्फ उसको सीट से उठने के लिए बोला. लकीली ही स्टिल केम इन द बस. सो आई टैग्ड ऑन इट. बट मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जब मैं आया था ना टीम में तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया से काफी क्लोज हो गए, ऑस्ट्रेलिया टूर से, राइट? सीबी सीरीज. या उसके बाद से एक्चुअली आई एक्चुअली वोंट टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट. क्या हमें क्लोज कैसे हुए? हाँ वो बात भाई, वी कांट शेयर एवरीथिंग हियर, यू नो दैट. बट वो जो पहला आई थिंक कितना 6 महीना था ना वो सितंबर फर्स्ट टाइम आपको, जून में फर्स्ट टाइम आपको मिला था. मतलब मिला तो था ही, उसके पहले भी मैं अंडर 17 का कैंप जब मैं कर रहा था तभी भी इंडियन टीम वहां पे प्रैक्टिस कर रही थी. उसका फोटो भी मैंने दिखाया आपको, मैंने आपके साथ जो फोटो खिंचाया था. मैंने तेरा चैलेंजर ट्रॉफी में फर्स्ट टाइम जीते हुए देखा, तेरा पॉइंट पे कैच भी छोड़ा था और उसके बाद तूने 60 रन भी बनाए थे, मुझे वो भी याद है. सो आई रिमेम्बर यू फ्रॉम दैट टाइम. बट पहला 6 महीना तो मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता हूँ कि सी गाइस, व्हेन आई केम इनटू द टीम, माय फर्स्ट माय क्रिकेट क्रश वाज युवराज सिंह. Okay, but I always wanted to talk to Yuvraj Singh. I always wanted to see how he prepares, what he does, and all that. क्योंकि जो युवराज सिंह का रोल था टीम में उसी प्रकार कुछ मेरा भी रोल होने वाला था. मिडल ऑर्डर में बैटिंग करना, 5, 6, 7 नंबर जो भी नंबर है, और गेम शायद फिनिश करना उस नंबर पर जाकर. और फील्डिंग भी कुछ वैसे ही था. पॉइंट पे तो पॉइंट जगह तो यार वो तो सील था, बट हाँ मतलब इंस्पिरेशन ले सकता था. तो इसीलिए मुझे बात करना था उनसे और बहुत कुछ सीखना था. बट वी ऑल नो यार, वो इंसिडेंट मैं काफी बार शेयर कर चुका हूँ एक्चुअली अभी. तो वापस नहीं बताऊंगा. कौन सा इंसिडेंट? फर्स्ट टाइम इंसिडेंट था यार पाजी, जो जब मैं फर्स्ट टाइम जब बस में आया था टीम के. हाँ प्लीज टेल, एवरीबॉडी शुड नो.
your side of story, then I will say my side of story. So I was in the bus early. आपको भी पता है ये क्योंकि मेरा first Indian team के bus में first time ever वो मेरा entry था. Right? पर ये आपका network खराब है यार. I can see you. I can hear you. अच्छा you can hear me. I can see you also. ओके ओके तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं कुछ आधे घंटे पहले ही बस में जाके बैठ चुका था क्योंकि मैं डर रहा था कि लोग यार अगर लेट हो गया तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे ये वो तो मैं आधा घंटा पहले ही जाके बैठ चुका था वहां पर. पॉज हो गया था वाईफाई कनेक्शन करके. हाँ यार पर मेरे को शायद नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा मेरे को दूसरी जगह पे कर ले कर ले. कुलदीप भी आ गया है ऑनलाइन. कुलदीप ऑनलाइन है ये सब ऑनलाइन है ये सब ऐसे ही बैठे हुए घर पे ये बंगी लोग को ये काम नहीं है. इसको यूजी को यूजी ने देखा क्या वीडियो डाला अपनी फैमिली के साथ. मैंने उसको वही बोला यार अपने बाप को नचा रहा तू पागल तो नहीं है साले. फादर को नचा रहा मतलब रियली फनी. खुद बदतमीजी कर रहा है वो ठीक है यार बट बाप बाप को नचाना इज नॉट गुड. हाँ तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ड्रेसिंग रूम अपने टीम के बस में तो गलती से जाकर मैं अपने यूपा के सीट पर बैठ चुका था और वहां से मैंने देखा ड्रेसिंग अपने लॉबी से यूपा आ रहे थे पूरे चश्मा वश्मा लगा के. तुम यार मैं ऑलरेडी वहां पर ही थोड़ा सा ये हो चुका था कि यार ओ That's the entry, यार. That's the entry of a superstar. मैं अपने आप से बात कर रहा था. तो उसके बाद जब यूपी पा अंदर आए बस में तो मतलब स्वैग से उन्होंने मेरा स्वागत किया. उन्होंने पूछा मुझे कि भाई डू यू नो मतलब ये पता है आपको किसका सीट है. मैंने बोला नहीं पाजी मुझे नहीं पता. तो आपने इशारा किया कि बॉस ये मेरा सीट है तो आप कहीं और जाके बैठिए. तो मैंने बोला ठीक है. उसके पहले मुझे एक्चुअली आरपी सिंह बैठा था मेरे पास में बगल में. उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये सीट पे मत बैठ खतरा है. उसने बताया नहीं मुझे किसका सीट है यार. उन्होंने यही बताया कि यार ये सीट पे खतरा है मत बैठ यहाँ पर. बट एनीवे पाजी यार दैट वाज दैट. It's been a long time since then and we've had a great relationship after that. Absolutely. हमने काफी कुछ मैंने तो काफी कुछ सीखा आपसे और हमने काफी मस्ती भी किए सब कुछ किया साथ में खेला कूदा यहाँ वहाँ गए. जी हाँ काफी कारनामे किए आपने रोहित शर्मा मेरे. जब आप 20 साल की उम्र से इंडियन टीम में आए हैं और आप मेरे सामने बड़े हुए हैं जी. और 20 साल से लेकर 30 साल तक मैंने आपकी हर एक चीज देखी है और मैंने उस टाइम मैंने भविष्यवाणी की थी कि इन सब जितने भी ये यंग लौंडे हैं से मैच्योर रोहित शर्मा हाँ. होगा अगर आपको याद हो तो. लकीली वो बात सही हुई आज कि वो मेजोरिटी आज सबसे ज्यादा आप में दिखती है और आप अपनी क्रिकेट को इस लेवल से यहाँ से यहाँ से अलग लेवल पे जा चुके हैं. सो इट्स ग्रेट टू सी. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप करके बात कर रहे हो मेरे साथ. अभी मैं इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ ना तो थोड़ा वो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. अजी ठीक है यार उसमें क्या है. मैं तो अभी बुमराह से बात कर रहा था ऐसी बात कर रहा था टाइम पास. सरदार पोचा मार रहा है घर में इज लर्निंग. सब लोग वही कर रहे भाजी यार. बट ही इज आल्सो अ वेरी हंबल गाय. ही इज आल्सो अ वेरी सॉर्टेड गाय. भाजी आपको ये इस टीम के बारे में क्या लगता है मतलब जब जब आप लोग खेल रहे थे और ये अभी ये टीम खेल रही है दोनों टीम के बीच में क्या फर्क लग रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है. टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली अब तो मैं रिटायर हो गया हूं तो मैं जो मर्जी बोल सकता हूं. डिफरेंस व्हाट आई फेल्ट इन दिस जनरेशन लास्ट जनरेशन
आई फेल्ट कि जब तुम लोग भी टीम में आया या तुम्हारी जनरेशन से पहले मैं जब टीम में आया, तुम्हारे सीनियर्स वर वेरी डिसिप्लिंड, और हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम पर सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी, बिल्कुल सो देयर वाज अ सर्टेन बिहेवियर दैट वी बॉयज हैड टू कैरी वॉचिंग आवर सीनियर्स, हाउ दे प्ले, हाउ दे वर्क हार्ड एंड हाउ दे एक्चुअली टॉक टू पीपल, हाउ दे टॉक टू मीडिया, करेक्ट बिकॉज दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स, दे आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, सो लर्न अ एब्सोल्युटली लॉट दैट वे, एंड दैट इज वॉट वी ट्राई टू डू, एंड दैट इज वॉट वी टोल्ड यू गाइज दैट यू नो दिस, इफ यू हैव टू प्ले फॉर नेक्स्ट 10 years, देयर सर्टन आफ्टर प्लेइंग फॉर इंडिया यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट योर इमेज. बट आई फील के ये जो तीसरी जनरेशन है ना, इसमें आई फील सीनियर सिर्फ यू एंड विराट कोहली आर देयर मोस्टली, हु आर प्लेइंग 3 formats, द हाँ रेस्ट ऑफ द गाइज आर कमिंग इन गोइंग ये वो, सो आई जस्ट फील सिंस सोशल मीडिया हैज कम, आई जस्ट फील दैट दे आर वेरी लेस गाइज टू लुक अप टू, हाँ एंड आई फील दैट द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड सीनियर्स टू से समथिंग, और दैट रिस्पेक्ट ऑफ यू नो हाउ दीज प्लेयर्स हैव बिकम ग्रेट, लाइक दिस बिकम अ थिन लाइन नाउ कि हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं अब, समझ गया समझ गया। तो आई थिंक जूनियर्स अब यू नो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द पार्टी सीन, लाइक यू नो इंसिडेंट दैट हैपेंड विद केएल हार्दिक, ये चीजें हमारे टाइम पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम पर होंगी, बिकॉज हमें सीनियर्स की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल सही हमें पता बात था कि हम आज गलती करेंगे तो हमारा सीनियर में बोलेगा यार यार ऐसे मत करो, दिस इज नॉट नाइस, सो आई फेल्ट हाँ, तो के ये डिफरेंस आप बता रहे हो कि अभी नहीं है वैसा, अभी कम आई है। फेल माहौल वैसा नहीं है, आई फेल कि लड़के दे डू व्हाट दे वांट टू, यू नो थोड़े सक्सेस के बाद अब क्या हो गया है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट आल्सो, बिकॉज एट यंग एज यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो बिग, करेक्ट 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 स्टार्टिंग ऑफ यार। द करियर दे नॉट इवन प्लेइंग फॉर इंडिया, दे गेटिंग सच बिग कॉन्ट्रैक्ट, सो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द मनी, सो हाँ दे यार, इजिली डिस्ट्रैक्टेड, सो यू नीड सीनियर्स, यू नीड कोचेज, यू नीड यू गाइज हैव टू टॉक टू द यंगस्टर एंड एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लेइंग फॉर योर कंट्री एंड यू नो वर्किंग हार्ड ऑन द फील्ड एंड देन ऑल दीज थिंग्स फॉलो, बिकॉज तेंदुलकर ऑलवेज टोल्ड मी दैट परफॉर्मेंस, इफ यू परफॉर्म ऑन द फील्ड एवरीथिंग विल फॉलो, बिल्कुल सो आई ये थिंक तो द बॉटम लाइन, और बिल्कुल मैं क्रिकेट अकेडमी, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में था, वहां पर मैं देख रहा था लड़के दे डोंट वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, अपनी स्टेट के लिए 4 डे नहीं खेलना चाहते हैं, दे हैप्पी प्लेइंग 1 डे क्रिकेट बिकॉज ऑफ आईपीएल, सो गाइज दे एक्सेप्ट यू गाइज आई डोंट थिंक द सेकेंड जनरेशन रियली वॉन्ट्स टू प्ले टेस्ट, एंड टेस्ट क्रिकेट इज द रियल टेस्ट ऑफ अ क्रिकेटर, सो आई वर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन टू टेल देम दीज थिंग्स, आई फील नो, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक, हमारा भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब टीम में जब आया था तो आप लोग थे सब, और यहाँ राइट साइड में देखो तो 4-5 सीनियर प्लेयर, लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे भी सीनियर प्लेयर। मेरे साथ खेला हुआ सिर्फ मेरे साथ खेले हुए लड़के एक या दो ही थे उस टाइम पे। पीयूष था एक, और सुरेश सुरेश था, और बस बाकी सब सीनियर्स थे। अभी वैसा नहीं है, अभी थोड़ा सा माहौल एकदम थोड़ा सा लाइट है। बट आई थिंक ये चीज हम कर सकते हैं कि मैं तो कोशिश करता हूँ जितना हो सके लोगों से बात करूँ। जैसे मैं पंत ऋषभ से ज्यादा बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। अभी उसके ऊपर इतना स्क्रूटिनी आ गया था लेटली, अभी वो 20-21 साल का है, उसके ऊपर इतना स्क्रूटिनी आ गया, वो परेशान हो गया। मीडिया एग्जैक्टली को हमारे लगता है कि ये, आई मीन इट्स 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 पार्ट ऑफ माय जॉब टू राइट एनीथिंग, बट दे इफ दे राइट सेंसिबली, दे राइट बिफोर यू नो राइटिंग एनीथिंग, दे शुड थिंक व्हाट दे आर राइटिंग। तो आई थिंक इट विल प्ले अ ह्यूज पार्ट। बट नो एब्सोल्युटली आई थिंक एब्सोल्युटली वही ऋषभ हो गया अभी, और भी 5-6 लोग हैं, उनसे रेगुलर मैं बात करता हूँ ये सब चीज के बारे में कि आई मीन दिस विल बी देयर एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। क्रिटिसिज्म रहेगा, लोगों का नजर होगा, ये सब होगा। तो आई थिंक क्रिटिसिज्म भी, और आई जस्ट वांट टू पुट पॉइंट, ये जो लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं
इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो हैव फेथ इन द यंग प्लेयर्स. लाइक एक मैच खराब होता है, ये लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट हाँ क्रिटिसाइजिंग. ये बात है। सो आई अरे थिंक आवर भाई जो पब्लिक ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड्स आर क्रिकेटर्स और एक्टर्स और मिनिस्टर्स के, यार एवरीबडी ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट. एक भी गलती होती है सब लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं. सो लोगों की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मीडिया की है, आई फील. हाँ बिल्कुल, ये हमारी जनता थोड़ी सी, दे शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे शुड बी मोर पेशेंट विथ एवरीथिंग इन लाइफ, नॉट एग्जैक्टली. नॉट इन योर होम बट इवन व्हाइल यू आर डूइंग एनीथिंग बी पेशेंट। और ये जो जब इंडिया की टीम खेलती है, अगर एक एक बंदा खराब करता है, एक बंदा अच्छा करता है, तो ये नहीं, ये शुरू मत कर दो तुरंत सोशल मीडिया पकड़ गए कि इसको पकड़ लिया, उसको उड़ा दिया, ये कर दिया, खराब चीज में पॉजिटिविटी फैलाओ यार। हमारे हमारे को पॉजिटिविटी की जरूरत है बहुत, अभी आने वाले कुछ एग्जैक्टली. समय में तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, उसको एक हथियार की तरह यूज करो अच्छे चीज के लिए। नहीं, और बिग एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान गेम. यू नो एवरीबडी गेट्स पर्सनल अबाउट द कंट्री, बट द पॉइंट इज यू हैव टू थिंक अबाउट द प्लेयर्स. हाँ 100% एवरीबडी इज गिविंग 100% ऑन द फील्ड, टू विन द लाइक ऑल द गेम। प्लेयर्स. ओनली वन टीम इज गोइंग टू विन. समटाइम्स द ऑपोजिशन गोना विन, समटाइम्स यू गोना विन. 101%। Obviously, you know, Indian team has won most of the championship because we have handled pressure in a bad situation, whatever the reason is. Or Pakistan in the earlier decade was a much better team who did the same thing. So I just feel that our people of a country from both sides should be more, you know, a little have more patience towards their players, I feel. बिल्कुल, आई थिंक हाँ ये बात जरूरी है। और ये बात हम भी जब भी हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये बात हम लोगों के सामने लाके रखे कि जितना हो सके अच्छे चीजों के बारे में बात करो। हमें भी पता है कि यार आप चाहते हो कि टीम जीते, बट हमें पता है हम पूरी कोशिश करते हैं वो जीतने की, बट यार सामने भी टीम खेल रही है, वो भी जीतने की कोशिश करेगी, कभी कभी हार होगा, कभी जीत होगा, तो वो तो चलता रहता है। बट यू शुडन्ट थिंक कि ये खराब खेल रहा है यार, ये फॉर्म में नहीं है, इसको भगाओ, ये करो वो करो, वो सब नहीं होना चाहिए। जस्ट लेट यू नो द अथॉरिटीज डू देयर जॉब इन टर्म्स ऑफ दैट एंड यू गाइस जस्ट एंजॉय द क्रिकेट। यार क्या है उसमें, क्या है, हारे हारे तो, बट हमारी टीम जीत भी उतनी रही है, उससे ज्यादा जीत रही है एक्चुअली। बट नहीं, एब्सोल्युटली. आई मीन स्पीकिंग पाजी, आपका पर्सनल जो करियर रहा है इतना, यू नो द टू मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ योर करियर, विच इन माई आईज इज द टू वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड कप, बट आई वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन, 2007 T20 वर्ल्ड कप, एंड आई नो वॉट काइंड ऑफ फॉर्म यू आर इन। वो फॉर्म जो आपका था, मतलब वो माइंड सेट जो आपका था उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था हमको अंदर से देख के कि आप कोई भी बॉलर हो, कोई भी बैट्समैन, कोई भी टीम हो, उसको आप उड़ा दोगे। वैसा हमको अंदर से फील आता था कि जब भी आप बैटिंग को जाते थे, क्योंकि जो भी आपने छक्के मारे, जितने भी रन बनाए उस टूर्नामेंट में, वो हमारे को देख के बाहर से वैसा लग रहा था। उसके पहले भी जब आयरलैंड से हमारा सीरीज था, जो मेरा फर्स्ट सीरीज था, उसमें आप मैन ऑफ द सीरीज थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से मैंने देखा, वहां से लेके T20 वर्ल्ड कप तक। इनफैक्ट उसके बाद भी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे इंडिया में, आपने फर्स्ट मैच में ही 130 कुछ बनाया था हैदराबाद में, आई सेकेंड थिंक सेकेंड वो हारे थे हम, लेकिन है ना। पर वो माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट एक्चुअली कुछ समय तक मेरे पास भी वैसा फॉर्म था, अभी वर्ल्ड कप को लेकर और उसके पहले भी। तो वो फॉर्म, वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट के बारे में मैं बात करता हूँ, ये ऋषभ हो गया या मनीष पांडे, ये लोग, ये तीन चार लोग हैं, उनसे मैं उस चीज के बारे में बात करता हूँ कि वो माइंडसेट लाना बहुत जरूरी है, कि अंदर से तुमको लगना चाहिए कि भाई ये मेरा दिन है और मैं जैसे चाहूंगा मैं वैसे खेल सकता हूँ और अपने आप को बैक करूंगा। आई एम श्योर आप भी उस टाइम पे वैसे ही सोच रहे होंगे। डेफिनेटली. आई जस्ट फील के ये जो माइंड सेट वट यू टॉकिंग अबाउट, लाइक आई डोंट नो, ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट पर्सन टू
when you talk about hitting big hits, probably you are the best person to talk about it at the moment. But I feel ki us zone mein aane ke liye you have to go through a lot of experience in games. Yes. Like I felt like you need to have that experience. Like abhi kya hota hai ke hum ye Rishabh Pant aur Prithvi Shaw aur KL to chalo kaafi jaise khel chuka hai aur probably abhi Shubman Gill aayega agar team mein ya koi bhi aayega hum unse expect karenge ye aate hi tumhari year hai ye tumhari tarah ya to wo nahi hoga because they have learned early but I feel ke it has to be over the time where they play a certain amount of games then they fail they go and play domestic cricket they come back and they play a number of games and with that experience when they have a few knocks like that they get into that zone where they know ki ab badi inning kaise banani hai like you and Virat probably know how to convert 60s into 100s like initially I feel with a lot of younger guys wo nahi hoga because wo experience nahi hai abhi so I feel ke whenever they are not playing international cricket they should be playing domestic cricket or they should be playing any form of cricket where they keep on getting more experience and experience of playing a lot of games and getting into different kind of situations on different wickets bilkul because with you for example when you were playing in middle order you had some exceptional innings of 70s 80 90 not out 65 not out to wo kehte hain wow Rohit bada acha khela but ab wahi game tune open karke it's like 200 not out and 260 and 200 and 150 so you have taken your game to the next level so that has happened after you 7 8 years of playing international cricket हाँ बिल्कुल तो मैं इसीलिए वो जो 7-8 years and I don't want these guys to lose that 7-8 years which is why I keep talking to them and make them understand कि बॉस अगर अभी तुम टीम में आए हो एक साल पहले तो ये सब चीज समझने की कोशिश अभी करो ये सब चीज अगर अभी से सीखोगे कि हाँ मुझे पता है एक्सपीरियंस से मिलता है बट try and make sure that every inning you play should be your last inning of your career think like that exactly definitely utna responsibility aane ki zarurat hai wo I think dheere dheere mere hisab se aa jayega aur is kya keh raha hai nahi bhai wo main aapke matlab puchne wala tha ki ghar mein sab theek hai hazel yes let's talk about coronavirus everybody is good at home what about you everybody is good at home too how's samara samara is good she is playing in another room there उस तरफ है वो खेल रही है अभी अभी खाना खा के थोड़ी देर में सो जाएगी नहीं आई थिंक कोरोना वायरस के टाइम पर आई फील के यू नो जो मैं दिल्ली में लेके जो फील आ रही है थोड़े लोग ना हल्के हो रहे हैं अभी थोड़ा सा थोड़ी पेशेंस जा रही है दैट बिकॉज जो लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं या जिनके छोटे घर है उनके लिए तो और भी मुश्किल है हाँ सो आई जस्ट फील के इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू और मी टेल देम गिव देम अ मैसेज के यार इट्स अ मैटर ऑफ वन वीक यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर वन वीक व्हाट्स इंपॉर्टेंट के सॉरी यही है कि वी आई मीन इफ इट्स वेरी सिंपल इफ यू वांट टू गो एंड लिव आवर लाइफ and we want everything to be back as it was before we have to be disciplined in this next whatever days our government is asking us to be now it's 14th April and uske baad bhi jo bhi decision hoga I think we just have to be disciplined and you know obey the guidance from the government as simple as that uske baad hi hum normal तरीके से जी पाएंगे अदरवाइज घर में ही बैठना पड़ेगा ये लोगों को समझना जरूरी है आई थिंक उस दिन हम जब बात कर रहे थे लाइव कॉन्फ्रेंस पे उस आई मीन अजय ठाकुर ने अच्छा पॉइंट बताया था कि कुछ कुछ जगहों पर फोन और टीवी और वो सब नहीं है तो वहां पर लोग बाहर जाके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक इश्यू सॉल्व हो जाए तो आई थिंक बढ़िया रहेगा
आई थिंक धीरे धीरे इस बात की लो पीपल विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल आर सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर, और यू नो देर उनको ये आइडिया होना चाहिए कि यार मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लाइक यू नो ड्रिंक अ लॉट ऑफ हॉट वाटर, हैव विटामिन सी एवरी डे, और खाने में वो चीजें होनी चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम बेटर हो. तो आई थिंक लोगों को रादर देन अदर्स अपने आप पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक वोटिंग कि आज को अगर आज मैंने एक वोट नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है, पर अगर 5 लाख लोग ऐसे सोचेंगे तो 5 लाख वोट गए. सो आई फील इंडिविजुअली हमको खुद को वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ इन सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडीज एंड इट शुड द मैसेज विल स्प्रेड. पेशेंस. Yeah, what is Mr. Nehra doing? Ashish Nehra, did you speak to him? Mr. Nehra is struggling to stay at home. Every third, fourth day, he's running in his vicinity and coming back. According to me, I think he will be the one who will be hating this lockdown the most. He is, but he's lucky that वो एक गोवा में एक society में है जहाँ पर वो घर के बाहर walk कर सकता है. जहाँ वो उसकी society में इतने लोग नहीं रहते और वहाँ पर it's mostly empty. Because rented areas है. So I think he's lucky के वो ऐसी जगह पे रह रहा है. मुंबई में यार मुंबई में मुश्किल है. Brother man, I have a question for you. Oh yes, of course. I want to see how good is your memory. How good is your memory? Oh, अच्छा. Are you ready? I have 10 questions for you, and for every answer you have 10 seconds. अच्छा ठीक है. Ready? Yes. on what date did you play your last test match? 2019. Date and month. October Bangladesh ke saath yaar. October abhi paji yaar date yaad nahi hai mere ko. 10 9 8 7 paji pink test match hi tha last. 9th tha mere khayal se. 9th October 6 6 5 4 3 2 1 October 22nd November. Worst yaar. Yeah. Chalo. You got 9 more questions. Koi baat nahi, main bhi kuch banata hu aapke liye abhi. Banao. Pehle ye to answer karo jo main pooch raha hu. Abhi to banda hai 1 baje. At the age of 32, how many test matches have you played? At the age of 32. Fuck. You can't. No, it's okay. 32. 10. 9. Are 8. Achha, answer kar diya tune? 32 bola na maine. 30. Wo tune ab apni umar boli hai. Test matches pooch raha hu main. Oh, yaar. 30. 7. 34 है ना? 34. पाजी आप ऐसे नहीं बोल सकते. यू कांट कंफ्यूज लाइक दैट. मैंने 32 बोला, फिर बाद में आपने बोला. मैंने पूछा एज. आई सेड एज. सी ट्विस्ट क्वेश्चन. चलो इसके मार्क्स बाद में देते हैं. थर्ड क्वेश्चन. हाँ. हाउ मेनी टेस्ट विकेट्स हैव यू टेकन? क्या है यार भाई नंबर्स यार. इट्स वेरी बैड बट आई थिंक आई ओनली हैव 1 टेस्ट विकेट. 10, 9, 8. आपको बोलना चाहिए सही है या गलत यार? गलत है, तभी तो ये काउंटर दे रहा. सही होता तो सही बोल देता ना. दो है. दो. यस ब्रदर मैन. ओके क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी ओडीआई विकेट्स डू यू हैव? 8. ओह राइट आंसर. यू गॉट 3. भाई यार ये नंबर्स का क्यों कर रहे हो आप? कुछ अच्छा करना चाहिए था यार. अरे बैटिंग का पूछोगे तो पट से बता देगा ना तू. नहीं बैटिंग के क्या अभी एग्जैक्ट. अभी आप मेरे को पूछो एग्जैक्ट रन कितने हुए तेरे टोटल. मुझे नहीं पता यार.
तो ये तो फिर पता होना चाहिए ना अपने बारे में, भाई आप बताओ। पूछ ले। रुक अच्छा गया, पूछो पहले आप। मुझे खत्म करने दे, पहले मुझे खत्म करने दे। Why are you laughing? यू हैव थ्री पेट नेम्स, पीपल नो यू बाय थ्री पेट नेम्स, व्हाट आर योर थ्री पेट नेम्स? I have three pet names. One is Ro Hitman Shana. Hey, nice man. शाना वो किसने दिया वो भी बता दो यार। तो छह में से चार जहीर खान ने नाम दिया तेरे को शाना। तेरा छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर्स? 175 10 178 8 7 6 5 182 3 ये पब्लिक से पूछ लो, रोहित शर्मा की हाइट कितनी सेंटीमीटर में बताओ। रजेश तू बता कौन किसको पूछा आपने? रजेश को। ये बस लो हंसने को है, ये हिटमैन हिटमैन करे जा रहे हैं। 5 4 3 2 गूगल ना कर। अरे गूगल नहीं कर रहा पाजी। योर हाइट इज 173 सेंटीमीटर्स। नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। किसने दिया आपको भाई इसका आंसर? ये मैंने विकिपीडिया से लिया। नहीं पाजी गलत है, इट्स रॉन्ग। चलो तुझे कौन सा पता था? विकिपीडिया का भी ऑफिस बंद होगा पाजी अभी 2-3 महीने से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सितंबर 2015 यू जॉइंड अ एंटी पोचिंग कैंपेन फॉर राइनोज। या हु आर द टू अदर इंटरनेशनल एक्टर्स हु जॉइंड दैट कैंपेन टू? सलमा हायक एंड मैटली ब्लॉन। ओह ब्रदर मैन, गुड आंसर। हाउ मेनी आईपीएल रन्स हैव यू स्कोर्ड? अरे पाजी नंबर्स एक्स्ट्रा है यार। आई नो इट्स समवेयर 4,800 समथिंग, 4873 और ऐसे कुछ तो है पाजी यार। मतलब इसके नंबर, ये इसका इसका तुझे मुझे पॉइंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बता मुझे। मैंने दो मुझे पता है 4,800 समथिंग है। 4,800 इज देयर बट दैट अदर देयर टू मोर डिजिट्स टू इट। व्हाट देयर आर टू मोर डिजिट्स टू इट। 4,800 आधा तो आपको यार 48 समथिंग है यार 48 सब लोग अभी कोई शो में होता ना अभी तक तू बाहर हो गया होता। 4,898 अच्छा अच्छा नाइन्थ क्वेश्चन इज हाईएस्ट डोमेस्टिक स्कोर एंड अगेंस्ट हु? हाईएस्ट डोमेस्टिक स्कोर फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए वो भी तो बताओ यार ऐसे कैसे? फर्स्ट क्लास लिस्ट ए नहीं। 309 अगेंस्ट गुजरात। गुड आंसर द मैन। अच्छा यू गॉट एंगेज ऑन व्हाट डेट? रितिका सुन रही है? क्या 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 वी गॉट रितिका, आई होप रितिका, ऑन व्हाट डेट डिड यू गेट एंगेज्ड? 2nd June। सेकेंड जून को हमारा एंगेजमेंट ऑफिशियल एंगेजमेंट था और 29th को मैंने उसको प्रपोज किया था। अच्छा तो अप्रैल में नहीं की थी एंगेजमेंट क्या? नहीं पाजी गलत है वो, जो भी गलत आ रहा है यार ये विकिपीडिया में बोल रहा हूँ आपको, ऑफिस बंद है उनका, उनको इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं आ रहा है उनके। चलो यू गॉट 5 out of 10 नॉट बैड। अरे यार पाजी बट दिस नंबर्स गेम यार। एक नंबर पूछा तेरे को मैंने और तेरी हाइट के बारे में पूछा मैंने। हाइट गलत है, 178 सेंटीमीटर है एक्चुअली इफ आई इफ यू डू इट नाउ, और थोड़ा सा जब बाल बढ़ेगा तो 179 तक जाता है। ओह यू आर अ फनी मैन। बट यार पाजी मैंने अभी आपके लिए बनाया नहीं यार ये यार, बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज जानना है बस, व्हाट डेट डिड यू मीट हेजल? बस व्हाट डिड आई मेट हर? नो 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 यू कांट डू दैट, यू कांट आस्क। बता रहा हूं बता रहा हूं मैं, आई मेट हर ऑन 28th December 2000
एंड 2011 That I have to check with Hazel. Please check with her. That's the first time I met her. Oh, very good, Paji. But yaar, shit yaar, मुझे नहीं पता था आप मेरे को सवाल जवाब करने वाले हो, नहीं तो मैं भी करता। मैंने तेरे को बोला था, I'm gonna ask you a few questions. But ask me a few questions, तो मुझे लगा ऐसे ही आपस में ही वो होगा। आपके लिए भी बना था तो अच्छा खासा यार। It's okay. अभी एक हफ्ता है, we can talk again. No problem. ज्यादा है मेरे ख्याल से तो। चलो anyway, but it was good to see you. Good to see you too. कौन सा मूवी देख रहे हो पाजी अभी? मैं मनी हाइस्ट देख रहा हूँ। ओए यार, मेरे को भी ना सीजन 4 देखना है, बट मेरी बीवी ने अभी तक देखा नहीं, तो हम लोग सीजन 1 से देख रहे हैं अभी। It's getting better and better. I know. Watch Ozark. Very good. Ozark. है लिस्ट में है मेरे अभी। वो सब पाजी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। जो भी कुछ भी देखना मुझे बोल दे, मैंने सब कुछ देख लिया है। बज्जूबा ठीक है? बज्जूबा आपसे भी बात करूंगा इंस्टाग्राम लाइव पे। यू विल हैव अ लाफ। हाँ, बज्जूबा को पकड़ूंगा अभी नेक्स्ट। बज्जूबा को पहला सवाल तो यही पूछने वाला हूँ कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। खत्म। बज्जूबा ने चेन्नई बोलना है, बज्जूबा और कुछ बोल नहीं सकते। बज्जूबा चेन्नई बोलेंगे, मुंबई बोलेंगे, फंस जाएंगे चेन्नई मुंबई के बीच में। मैं अपने मुंबई इंडियंस के ओनर्स को भी लाइव रखूंगा साइड में। वो बोल देगा दोनों ही मेरी फेवरेट टीम है। नहीं नहीं उनको बोलूंगा एक ही चॉइस है बच्चू आपके पास, बस एक ही चॉइस है। चलो पाजी फिर मुलाकात करते। सी यू सून ब्रदर मैन। सी यू सून, टेक केयर। टेक केयर, से हाय टू द फैमिली। बाय मार्लो। ओ बाय रितिका। सी यू सून पाजी। सी यू बाय बाय। Bye. Bye.